आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सोशल मीडिया पे आने के बाद बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उस पर बात करेंगे, इस मुद्दे की हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले इस वीडियो के आने के बाद जो जहन में लाइनें आ रही हैं वो आपके साथ साझा करता हूं कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, बहती नदियों के कुछ नाम रखे इन धाराओं का क्या होगा, और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, यानी इन चीजों को बांटा नहीं जा सकता। लेकिन आप वीडियो में साफ देखेंगे कि किस तरह से मुस्लिम होने के नाते उस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वो न्यूज़ एंकर जब बैठी हुई हैं, अपनी बात को रख रही हैं, जब डिबेट हो रही है, तो किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा उनको बुर्का के नाम से टारगेट किया गया, उनको हिजाब के लिए टारगेट किया गया। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाला उस पे आपको पीड़ा हो रही तो गया बेटे, बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। पंडित शुक्ला मुझे नहीं बताएगा कि मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी। पंडित शुक्ला गर्व महसूस कर सकता है किसी महिला का बुर्का तार तार करने में। पंडित शुक्ला को बहुत अच्छा लग रहा है किसी मुसलमान को ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा बुर्का तार तार कर रहा हूँ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। लेकिन मैं इस स्तर तक नहीं गिरूंगी, मैं इतना नीचे नहीं जाऊंगी। पंडित शुक्ला कोई बात नहीं, पंडित शुक्ला हो गया इनका, ये हिंदू मुसलमान से आगे नहीं बढ़ सकते, हो गया इनका। साथियों, आपने देखा किस तरह बीजेपी के प्रवक्ता के द्वारा माहौल बनाने की कोशिश की गई, किस तरह से गलत चीजों को तथ्यों को सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई और टारगेट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब उस महिला ने जवाब दिया, उस महिला पत्रकार ने जब जवाब दिया, तो सामने बीजेपी के प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई और फिर वो मैं हाय हाय करने लगा, उसके मुंह से बोली नहीं फूटी। ये बहुत आवश्यक है, जब समाज में कहीं पर भी आपको टारगेट किया जाए, जब कहीं पर भी आपके ऊपर गलत तरह के आक्षेप लगाए जाएं, जब आपको एक ही चश्मे से देखने की कोशिश की जाए, तो आपको जवाब जरूर देना चाहिए। ये जवाब बहुत साबित करता है कि अगर गलत हो रहा है, अगर आपने उसका जवाब दे दिया, आपने उसका विरोध किया गलत होने का, तो आपका नाम लिखा जाएगा और आपको उस नजरे से लोग देखना शुरू करेंगे। जब किस तरह से बुर्के की बात की गई, जिस तरह से हिजाब की बात की गई कि महिला है, तो उस तरह से उसका जो जवाब है साथियों, ये बहुत ही रोचक है और किस तरह से सारी चीजों को बनाता हुआ चला जाता है, ये आप देखिए। अगर इस तरह के वीडियोज और आती तो हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जो जनता की आवाज है, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको हम आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में इनको पूरी तरह से गायब कर दिया है। आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज, मैं आमिर खान आजाद, जय हिंद जय भारत।